Before we begin the video, do subscribe to our channel and also click on the bell notification sign to stay updated with all our video notifications. Hey, what's up explorers? How are you guys doing? So guys, welcome back to a new video. So guys, आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है. आज हम कुछ हॉन्टेड गेम्स नहीं खेलने वाले, कुछ हॉन्टिंग चीजें नहीं होने वाली और ना ही हम कौन से सुपरस्टिशन ब्रेक करने वाले. बट गाइज, आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है. तो चलो शुरू कर दे. एक कंटेंट क्रिएटर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अपने ऑडियंस का एंगेजमेंट और अपनी ऑडियंस अपने बारे में क्या बात करती है. तो गाइस, हाँ, आज हम करने वाले हैं कमेंट रीडिंग. तो कमेंट रीडिंग बेसिकली क्या होता है? ये सब कुछ हटो हटो, मुझे बात करने दो यार. ओके, तो मैं ये बात कर रहा था कि कमेंट रीडिंग के वजह से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको नेगेटिव कमेंट्स नहीं चाहिए, हमको सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स चाहिए. बट सरप्राइजिंगली, जब आज मैं मेरे कमेंट्स के थ्रू जा रहा था, मैंने हर एक बंदे को रिस्पॉन्ड किया जो मेरे वीडियो पे कमेंट करता है. 98% ऑफ द कमेंट्स आई हैव रिस्पॉन्डेड टू ऑन माय चैनल्स. 2% आप कह सकते हो जो कमेंट्स हाइड हो जाते हैं या वो कॉन्वर्सेशन में छुप जाते. तो वैसे वालों को मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, रिस्पॉन्ड जरूर करता हूँ. बट कभी कभार टाइम ना मिलने की वजह से मैं वो कमेंट शेयर नहीं कर पाता हूँ या मैं रीड नहीं कर पाता हूँ, फिर उसको रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ. आई वॉज रियली सरप्राइज कि मेरे वीडियो पे 95% सिर्फ पॉजिटिव कॉमेंट्स है. इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी. तो 5% आप कह सकते हो कि जो अब्यूजिव कॉमेंट्स है, नेगेटिव कॉमेंट्स है, हेट कॉमेंट्स है, मैं उनको कंसिडर कर रहा हूँ ये 5% के सेक्शन में. और 95% जो आपका प्यार है, मेरी तरफ सपोर्ट है, वो मुझे देख के तो हाय क्या बोलूँ मैं तो इतना खुश हो गया ऐसे कमेंट्स पढ़ के. तो गाइज, मैंने आज कुछ कमेंट्स सिलेक्ट किए हैं आपके लिए, तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा एक एक ऐसे सब करके, ठीक है? और आज हम उसका रिएक्शन वीडियो करेंगे. तो चलो गाइज, बिना किसी रिकॉर्ड वीडियो शुरू कर दे. तो गाइज, चलो पहले कमेंट से शुरू करते. तो जीत कहते हैं, ट्रू एक्सप्लोरर्स ब्रो, वेरी गुड, आई हैव सीन योर अदर वीडियोस एंड ऑल वीडियोस आर कूल. मोस्टली पीपल वांट एंटरटेनमेंट नॉट ट्रुथ, बट डोंट थिंक अबाउट देम. मैंने इसको एक लाइक और लव भी दिया. जीत भाई, थैंक यू सो मच, आप लोग हमें सपोर्ट करते हो. और जीत, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे सारे एक्सप्लोरिंग फैमिली को, झूठ जो है ना वो इजीली बिकता है और सच जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरे दोस्तों को और मेरी एक्सप्लोरिंग फैमिली को भी, ट्रुथ इज एक्सपेंसिव एंड इट कैनॉट बी अफोर्डेड. तो चलिए गाइस, आगे कॉमेंट्स पढ़ते हैं और अगला कॉमेंट देखते हैं किसकी तरफ से. प्राजक्ता मेहारे, वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन मोजो. तो मोजो को उसने बहुत सारे स्माइलीज भी दिए और प्यार दिया है. तो प्राजक्ता, आप हमें भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार. मुझे को तो पता है वो क्यूट है, पता है सभी लोग उससे प्यार करते हैं, मेरी पूरी एक्सपीरियंस फैमिली भी उससे प्यार करती है जब वो ब्लॉग में आया था. चलो गाइस, अगले कमेंट की तरफ जाते हैं. जॉय, आई होप मैंने आपका नाम अच्छे से प्रोनाउंस किया होगा. मुझे पता आपकी ये जीमेल आईडी है. तो व्हाई डिड यू रन अवे फ्रॉम द हॉन्टेड थिएटर? जॉय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हॉन्टेड थिएटर हमारा सबसे पहला ब्लॉग था और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाई थी कि, और हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस भी थे वो टाइम पे कि भाई चलो एक ब्लॉग पुल करके आ जाते, अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते थे, सिंपल सी बात है. तो हमने हिम्मत की, हमने थोड़े गट्स इकट्ठा किए, हम लोग चले गए. वो टाइम हम लोग भी डरते थे इन सब चीज़ों से. तो जैसे हम अंदर गए तो बहुत ज़्यादा पैरामल एक्टिव होने लगी. तो पहली बात तो हमारे पीछे बॉर्डर क्रश हुई थी, तो हमने उसको इग्नोर किया, बोला चलो कुछ चूहा वो रहेगा. बट हमने अच्छे से उसको एग्जामिन किया और ऐसे पता चला कि वो चूहा तो ऐसे कर नहीं सकता है. फिर दूसरी बात, जब हम बैक स्टेज गए थे तो वहाँ पे हमें कोई भागने की आवाज़ आई थी कहते. तो ये रीज़न था जॉय कि हम लोग उस अबैंडन थिएटर से चले गए थे. तो चले गए, आगे कॉमेंट कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं किसका लवली कॉमेंट है. Arcade Gamer YT, शायद से Arcade Gamer YouTube होगा उसका नाम. आपकी आवाज़ वरुण धवन जैसी है. थैंक यू भाई, आपने मुझे वरुण धवन के साथ कंपेयर किया. बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मेरी आवाज़ डायनमो गेमिंग के आदित्य सावंत जैसी भी है. आपने बोला वरुण धवन जैसी है. थैंक यू सो मच. मैं इसमें कुछ प्राउड मोमेंट लेना नहीं चाहता हूँ, बट जैसे आप कहे, बिकॉज आप ऑडियंस हो, आप हमें जज कर सकते हो. थैंक यू. तो गाइज, अब हम अगली कमेंट की तरफ जाएंगे जो है वेदांत शिंदे की तरफ से. तो वेदांत शिंदे जी बोलते हैं, वो भूत भाई को पता लगा होगा कि तुम कॉल करने वाले हो तो सबने नंबर इनएक्टिव कर दिया होगा. और उसने स्माइली डाला है हंसने वाला. बाय द वे भाई, बी केयरफुल, कहीं आपके साथ भी गौरव तिवारी जैसा ना हो जाए. जिनको नहीं पता है, गौरव तिवारी अपने इंडिया के बहुत बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे. ही वॉज वेरी वेरी फेमस. उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस की थी.
बट वेदांत भाई, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ, मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, और मैं उस चीज़ में कभी जाऊँगा भी नहीं, बिकॉज आई एम अ प्योर अर्बन एक्सप्लोरर। बट थैंक यू, आपने हमें कंसर्न दिखाया आपके कॉमेंट के थ्रू, और मुझे ये भी लगता है कि आप मुझे सपोर्ट करते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है मेरे वीडियोज देखने भी, सो थैंक यू सो मच। तो गाइज, अगला कॉमेंट है अमरजीत ढिल्लों की तरफ से। मुझे लगता है ये कोई पंजाबी बंदा है जो नॉर्थ साइड में रहता है, सो उसके कॉमेंट डेफिनेटली हिलेरियस हो गए। तो चलो कॉमेंट पढ़ते हैं। डायल किए गए नंबर पर भूत भाई अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद पुनः डायल करें, कीप इट अप भाई। थैंक यू सो मच अमरजीत, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, और आपका ये ह्यूमरस कमेंट मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको लवर लाइक भी दिया है, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी किया है एज यूजुअल, और सही बात है, मे बी डेविल ने फ़ोन बंद कर दिया होगा या बिल नहीं भरा होगा एज यूजुअल पोस्टपेड, तो फ़ोन ऑफकोर्स बंद कर दिया होगा, वरना नंबर तो ज़रूर लगता ना भाई, है ना, बिकॉज बहुत सारे लोगों के नंबर लगे हैं, सिर्फ हमारा क्यों नहीं लगता यार, इंटरनेशनल रोमिंग भी एक्टिव था मेरे फ़ोन पे। ओके चलो अगले कमेंट की तरफ, अगले कमेंट की तरफ। द इंडियन वॉरियर कहते हैं, योर कॉन्टेंट इज ग्रेट, आई सजेस्ट यू शुड कोलैब विद द रियल वन एंड एक्सप्लोरिंग इंडिया, their content is exactly like yours। तो guys, Exploring India और Real One भी एक यूट्यूबर्स है जो ऐसी हकीकत प्रेजेंट करते हैं और सुपर क्वेश्चन ब्रेक करते हैं, मुझे उनका कॉन्टेंट बहुत अच्छा लगता है, दे आर वेरी नाइस। बट इंडियन वॉरियर भाई, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ और आप एक स्क्रीन शॉट देख लेना, ठीक है, ये देख लो अभी। हेलो एक्सप्लोरिंग इंडिया, हेलो एक्सप्लोरिंग इंडिया, दिस इज ययाति फ्रॉम एक्सप्लोरिंग विद ययाति, सॉ योर वीडियोज, सो वॉन्ट टू टॉक टू यू, प्लीज कॉल मी ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप। हेलो, मैंने उनको व्हाट्सएप भी किया है, मैसेज डिलीवर भी हो चुके हैं, मुझे पता नहीं है पढ़ा है कि नहीं, मे भी पढ़ा भी होगा, बिकॉज एंड्रॉयड में कभी कभी फीचर भी होता है कि आप ब्लू टिक्स भी डिसेबल कर सकते हो, तो मैंने उन्हें कॉल भी किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो अगर आप चाहते हो अगर हम उनका कोलैब करें, तो आप प्लीज़ उनको जाके बोल देना कि एक्सप्लोरिंग विद ययाति ने आपको बहुत सारा प्यार भेजा है। तो अगला कॉमेंट है योर डैडी की तरफ से, इसका अकाउंट नेम थोड़ा अलग लग रहा है मेरे को, बट चलो कॉमेंट पढ़ते। क्या यार, आई वॉज एक्सपेक्टिंग द नन, और हंस रहा है बंदा। अरे यार भाई, योर डैडी, आप ऐसे मत बोलो यार, नन तो रियल स्टोरी पे बेस्ड है, क्या पता उधर नन आ गए ना एक्सप्लोरिंग के टाइम पे, हमें एक्सप्लोरिंग का ऐसा पूरा ब्योरिया बिस्तर बंद करके घर पे बैठना पड़ेगा। सच्ची बोल रहा हूँ, बिकॉज नन का सामना कौन करेगा यार, हम थोड़ी ना लोरेन और वॉरेन है, हमारी टीम है ऐसी कोई जो भूत का मुकाबला करे, है ना। तो चलिएगा इस आगे कमेंट पढ़ते हैं। साईटेक की तरफ से, अब ये साईटेक नहीं है, सॉरी PSH टेक है, कल से मैंने साईटेक कर दिया तो आई एम सॉरी PSH टेक। तो आपका कमेंट है, नो फियर ऑफ घोस्ट, सही का, हम लोग घोस्ट से बिल्कुल नहीं डरते, भूतों से हमें डर नहीं लगता है, हमें डर लगता है बुरे इंसानों से। हाँ, पर बुरे इंसानों से टैकल करने की भी हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स है, तो अगर आप जानना चाहते हो तो एक बार हमें सामने से बुरा इंसान आ जाना चाहिए एक्सप्लोरिंग के, फिर हम आपको कैमरे के थ्रू ही दिखाएंगे कि हम लोग उसे कैसे टैकल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आगे कमेंट पढ़ते हैं एमके की तरफ से। एमके कहते हैं, बिग लैंड गॉन वेस्ट, व्हाई डोंट यू यूज इट फॉर हाउसिंग पर्पसेस। एमके देखो कैसा है ना, बहुत ज़्यादा बायर्स भी है। ओके ओके, आप शायद से इंडिया से नहीं हो, बिकॉज मैंने आपके बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स भी पढ़े हैं, एंड आई डोंट थिंक सो दैट यू आर फ्रॉम इंडिया, सो आई विल गिव यू रिस्पॉन्स इन इंग्लिश। तो दैट्स ट्रू एमके, यू नो देर आर मेनी अबैंडन प्रॉपर्टीज इन इंडिया, ओके, विच इज जस्ट लाइंग वेस्ट एंड नो वन इज ट्राइंग टू recover it or rather to reconstruct it, because there are rumors attached to it, people call it haunted, people call it cursed, and that is the reason buyer also thinks twice whether he has to buy that properties or not. So in this thing, I would only recommend that the whole and sole owner of that abandoned property should conduct an investigation, a paranormal investigation on his property, and if there's anything if there's any unnatural activities going out there, he should take help from the paranormal investigators, okay, and should clear his property from out of this ghost rumors and everything. So abhi jo comment mein padhne wala hu na, wo thoda negative comment aur wo 5% comment section mein aata hai. To Zain Grey bolte hai, kuch bhi video dalte hai chutiye log. हाँ जैन भाई, हम चूतिया लोग ही है, जो मामूली इंसान से हम अलग है, बिकॉज हम चूतिया लोग हैं। चूतिया लोग ही ऐसी डेयरिंग वाली चीज़ें करते हैं, चूतिया लोग ही ऐसे रिस्क लेते हैं, क्योंकि हम चूतिया लोग हैं। चूतिया लोग ही आपको हकीकत बताते हैं, बिकॉज हम चूतिया लोग हैं। और जैन ग्रे भाई, मैं आपको क्या बोलूँ, मैं हम इतने चूतिया लोग हैं ना, हम जिंदगी में चूतिया ही रहेंगे, हम चूतिए थे, चूतिए हैं और चूतिए रहेंगे, क्योंकि हम एक्सप्लोरिंग करते रहेंगे और आपके सामने ऐसी ही डेयरिंग और रिस्की वाली वीडियोस हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम चूतिए हैं। तो जैन भाई, ये रहा आपके लिए रिस्पॉन्स, बट हाँ, मैं आपको कुछ पॉजिटिव साइड भी बोलना चाहता हूँ। अगर आप
जानना चाहते हो ना एक्सप्लोरिंग पे एक्चुअली होता क्या, तो मेरी हॉन्टेड जेल वाली वीडियो एक बार सिर्फ पुल करके देख लो। वो एक्सप्लोरेशन मैंने अकेले किया था और मैंने उसमें ये भी बोला था कि मैंने 7:30 बजे शाम को एक्सप्लोरिंग किया था, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न था। मैं हमेशा सच्चाई बताता हूँ, मैं रात को वीडियो शूट करके 7:30 बजे मैं ये दिखाना नहीं चाहता कि मैंने 12 बजे शूट किया। एग्जैक्टली, ये है मेरी हकीकत, बिकॉज हम चूतिए लोग हैं। चलो गाइस, तो बहुत सी गिरी हो गया था लास्ट वाले कमेंट में, तो थोड़ा अभी कुछ पॉजिटिव पढ़ते। जैसे मैंने आपको बोला, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा कम थे, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स ही मैं आपके लिए बताऊंगा, बिकॉज उन लोगों की मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट है जो पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो व्हाई नॉट पिक अप दोज पीपल एंड पुट देम एंड गिव देम रिस्पेक्ट, ओके, गिव देम अ मोमेंट ऑफ अप्रिसिएशन ऑन दिस वीडियो। तो हरमनदीप सिंह कहते हैं, मुझे वीडियो बहुत पसंद आया, आई सल्यूट यू ब्रदर्स। भाई आपके लिए भी सल्यूट, आप हमें सपोर्ट करते हो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और आपके सपोर्ट की वजह से देखो एक दिन हम बहुत ऊंचे जाएंगे। तो गाइस, दूसरा अगला कमेंट है CS चौहान की तरफ से, तो अगेन एज यूजुअल, ठीक है, नेगेटिव कमेंट, पर कोई बात नहीं, ये देख लो, डोंट मेक फूल टू पीपल। CS चौहान भाई, अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी होगी तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पूरी वीडियो देख लो। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर मैं लोगों को चूतिया बना रहा हूँ या मैं लोगों को फुलिश बना रहा हूँ, तो मैं कभी भी एक DM में इंटरेक्शन नहीं करता था। मैंने जितने भी DMs है ना Instagram पे भी, मैंने सभी को रिस्पॉन्ड किया है जो भी रिक्वेस्ट लिस्ट में है, और मैं जनरल और प्राइमरी बॉक्स में भी है। मैंने एक भी कमेंट मेरा ऐसा रिक्वेस्ट लिस्ट में छूटता नहीं है, बिकॉज जो जो लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं ना, मैं हमेशा सबसे बात करता हूँ। और रही बात दुनिया को चूतिया बनाने की, मैं इन्हें ऐसे कोई ऐसे काम नहीं किए हैं जिससे मैं आपको फुलिश बना रहा हूँ। जो हकीकत है मैं वही प्रेजेंट करता हूँ और वही प्रेजेंट मैं करता रहूँगा। तो मेरी आपके सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरे सारे वीडियोज आप देख लो, ठीक है, और फिर अगर आप तभी बोलते हो मैं चूतिया बना रहा हूँ तो नो प्रॉब्लम, हम तभी आपको समझाएंगे पॉजिटिव वे की तरफ से कि हम चूतिया नहीं बना रहे। एंड प्लीज़ कनेक्ट विथ मी ऑन Instagram, हम इंस्टाग्राम पे कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यू नो ये हम लोगों को फुलिश बना रहे हैं या व्हाट्सएवर। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, बिकॉज कैसे ना गाइस, मुझे हर एक बंदा जो मेरे वीडियोस पे आता है और कमेंट करता है, मुझे उनकी रिस्पेक्ट है, मुझे उनके टाइम की रिस्पेक्ट है, और मैं वो टाइम कभी उनका वेस्ट नहीं जाने देता, ठीक है। तो इसीलिए गाइस, मेरे तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर फॉर CS चौहान। तो गाइस, अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम क्रिस्टीन हाकिन। सो आई गेस गाइस, शी इज नॉट फ्रॉम इंडिया, अगेन शी इज फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, तो हम इंग्लिश में उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। सो द कमेंट इज, डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम दोस अबैंडन्ड प्लेसेस, यू हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट माइट बी अटैच्ड टू द आइटम, इवन द रिलीजियस क्रॉस। Christine, that's true. I did not pick the cross. I just lifted it up and kept it at one place because I did not want to disrespect the cross. And I did not feel like, you know, the cross was just lying there and it is like a moment of disrespect. So I just picked it up and I kept it at one place. And from next time, we will be careful. We will wear gloves, okay? And we will touch things only if it's required. Thank you so much. And thank you so much for your support on my channel.